को पूरी तरह सजा दिया गया है, इसलिए कि सरकार आने वाले हैं, वो सरकार जिसने सरकार गिरा दी थी 2017 में गठबंधन की जब सरकार थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी हज भवन में आने वाले थे और हाजियों का जो जत्था था उसे रवाना करना था, यानी दुआया मजलिस जिसमें हाजियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुआ मांगने वाले थे और राज्य के लिए, अपने लिए, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए दुआ मांगने वाले थे। लेकिन उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हज भवन पहुंचने के बजाय राजभवन पहुंच गए थे और गठबंधन की सरकार गिर गई थी। जो शख्स एक घंटे पहले डिप्टी सीएम हुआ करता था वो डायरेक्ट कुर्सी से नीचे गिर गया और वो अब तक नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी यादव की भूमिका में है और आज भी वही मौका है, लेकिन राजनीतिक संकट नहीं है। हज भवन में ये स्टेज बनाया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ शाम को पहुँचने वाले हैं। हाजियों का जो जत्था है वो रवाना होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये दुआ पढ़ते हैं हाजी लोग। और जब दुआ होती है उस दुआ में बड़े बड़े विद्वान शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान मौजूद होंगे और जो विभाग है अल्पसंख्यक उसकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सफीना एएन होगी। हज कमेटी के नवनिर्वाचित चेयरमैन अब्दुल हक होंगे, चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी, वो तो हमेशा होते हैं इस तरह की दुआ में, और भी कई ऐसे लोग हैं, चौधरी महबूब अली कैसर जो हज कमेटी के मेंबर भी हैं और खगड़िया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, गुलाम गौस जेडीयू के एमएलसी हैं वो हैं, खालिद अनवर वो भी जेडीयू के एमएलसी हैं वो भी होंगे, और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्ला, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास, मौलाना मिनहाजुद्दीन और जो खानकाह से जुड़े हुए लोग हैं वो सब शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम को जो मगरिब का वक्त होता है 6:30-7 बजे के आसपास, उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँचेंगे और हाजियों का जो पहला जत्था है उसे रवाना करेंगे, दुआ में शामिल होंगे। हालांकि इस बार गया जो है वो एम्बेरिकेशन पॉइंट नहीं बनाया गया है। न्यूज़ फॉर्मेशन के माध्यम से ही आपने सुना था कि जो CEO हैं राशिद हुसैन, उन्होंने बताया था कि इस बार जो हाजियों की फ़्लाइट है वो कोलकाता से होगी, लेकिन एक विधिवत तरीके से हमेशा से रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरी दुआ में शामिल होते हैं, तो यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे, दुआ में शामिल होंगे और अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद होंगे, हाजियों के लिए को दुआ के लिए मुख्यमंत्री कहेंगे। लेकिन इस हज भवन का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना एक इतिहास है, इसी हज भवन में पहुँचने वाले मुख्यमंत्री ने 2017 में दुआ से पहले गठबंधन की सरकार यानी लालू का साथ छोड़ दिया था। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा अख्तर, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना। डिस्प्ले से बाहर नहीं जाना चाहिए।